वो सब तो मुझे पता है निर्मला दीदी, पहले ये बताओ वो अपनी पड़ोसन रमा उसकी क्या खबर? अरे उसके बारे में तो पूछ ही मत, क्या बताऊं मैं उस परिवार से? तो तौबा तौबा, उसका बड़ा बेटा बोला इस उम्र में किसी के साथ फंस गया है। अच्छा, कई दिनों तक घर भी नहीं आता, कहता है फैक्ट्री में काम करने जाता हूँ, लेकिन वो खड्डूस रानी के घर में पड़ा रहता है। और वो बुढ़ी रानी, पता नहीं उसने भोले को क्या पिला दिया है। अच्छा रेखा, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, कुछ देर बैठिए हमारे साथ। नहीं नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वैसे रेखा है ना? रेखा, रेखा मुझे एक बात सच सच बता। मैं मानती हूँ कि तेरे पति के सामने तू कुछ नहीं बोल सकती। मैं मानती हूँ कि तेरे बेटे नीरज को तू बहुत प्यार करती है, जो तेरा सौतेला बेटा है। ईशान और सुधीर वो भी तेरे बेटे हैं, और वो भी सगे। दीदी धीरे ना। धीरे क्यों बोलूं? इन्हें जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिले, और नीरज को सब कुछ। ये तो तेरी नाइंसाफी तेरे बेटों के साथ हो रही है। तेरा प्यार और जायदाद में हिस्सा पाने के लिए तेरे बेटों को सौतेला होना चाहिए क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दीदी, और वो भी बच्चों के सामने? आपकी जबान एक बार चलना शुरू करती है ना, तो थमने का नाम ही नहीं लेती। क्या सुना तुमने? मैं वो दूध देने आई थी, मासी की बात सुनी और पता नहीं ग्लास कैसे फिसल गया। ये आपने क्या किया दीदी? अब मैं अपने बच्चों को क्या समझाऊं? मैं तो वो मुझे कुछ नहीं सुनता। बेटा मैं ये नहीं कहूंगी कि जो दीदी ने कहा वो झूठ था, या फिर जो तुमने सुना वो सच है। सच है बेटा, लेकिन आधा सच, क्योंकि कुछ और भी सच है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जरा चलो मेरे साथ। ये है नीरज का बचपन, जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा है। 3 साल का था नीरज जब मैं इस घर में ब्याह कर आई, जब उसके सर से उसकी माँ का साया उठ गया। क्या हुआ मैंने अगर अपनी कोख से उसे जन्म नहीं दिया तो? लेकिन मेरी जान का टुकड़ा है वो। मैं इस घर में ईशान के पापा की पत्नी बनकर नहीं आई, नीरज की मां बनकर आई। लेकिन एक दिन अचानक पता नहीं उसे किसकी नजर लग गई। जब वो 8 साल का था, अचानक एक दिन सीढ़ी से फिसल कर गिर गया, और उसकी दिमागी हालत 8 साल के बच्चे की होकर रह गई। उसके बाद तो मैं उसे इतना प्यार देने लगी, अपने बच्चों से भी ज्यादा। आज तक मेरे बच्चों को नहीं मालूम कि नीरज मेरा सगा बेटा नहीं है। सिवाय नीरज के पापा के ये कोई नहीं जानता। मैंने हमेशा इसे राजी बनाकर रखा है। बहू बहू, मैं चाहती हूं कि तुम भी इसे राजी बनाकर रखो, तो ये घर बिखर जाएगा। वो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। ये क्या कर रही है मम्मी जी? लोग कहते हैं कि सौतेली माँ बुरी होती है, पर ये सच नहीं है। आप अगर कोई कहेगा ना, तो मैं उनसे कहूंगी कि
हमारी मम्मी जी से मिलिए, आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। कैसा लग रहा है तुम्हें अब ऑफिस में? खेलने के लिए अच्छी जगह है। ऑफिस में आओ, कुर्सी पे बैठो, झूला झूलो, घर वापस चले जाओ। ये क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ जो सच है। इतने बड़े ऑफिस में डेकोरेशन पीस हूँ, इतना बड़ा शोकेस दिया हुआ मुझे, ऑफिस इतना बड़ा, काम वाम कुछ होता है नहीं मेरे पास। आओ दिन भर बैठो, घर वापस चले जाओ, क्या करके आए, ऑफिस अटेंड करो। यार लोग अभी भी ये समझते हैं मैं पुराना नीरज खन्ना, मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं, कोई काम देने को तैयार ही नहीं है मुझे। ऐसी तो कोई बात नहीं नीरज, तुम गलत समझ रहे हो। या तो मैं गलत समझ रहा हूँ या बाकी सबके सब लोग गलत समझ रहे हैं। और अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो मुझे कोई काम क्यों नहीं देता? हाँ, दिन भर में एक कोई पेपर आता है जिस पर मुझे साइन करना होता, बस। अरे यार सुधीर, मुझे रियल काम चाहिए यार। पापा को देखो, दिन भर फुर्सत नहीं होती, ईशान अपने काम में बिजी रहता है। तुम कभी कभी आते हो पूछने के लिए कि कैसा फील कर रहा हूँ, इतना ऑफ ऑफ क्यों लग रहा हूँ। अब तो पता है ना क्यों ऑफ लग रहा हूँ, क्या कर सकता है इस बारे में बता, क्या करेगा पता? कर सकता हूँ। ये वो फ्लॉपी है जिसमें हमारे इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हैं जिसका टेंडर हम भरने वाले हैं। इसे अच्छी तरह स्टडी करो और एक अच्छा सा प्रपोजल बना के मेरे पास लाओ। अगर तुम्हारा प्रपोजल ठीक लगा, आई प्रॉमिस यू, आज की बात तुम्हें कभी काम की कमी महसूस नहीं होगी। ऑल द बेस्ट। हाँ तो क्या बोल रहा है वो? Fine, then go and finalize it with him. See, we'll have to anyways give him a call. The world's a nasty place and we can't help anything about it. ठीक है? हाँ, तुम negotiate करो उसके साथ. देखो, I'll see you at the office. Take care. Bye. Thank you. तुम अगर नहीं होती तो मेरा क्या होता? Well, ज़्यादा कुछ नहीं. बस इतना कि आप टूटी हुई buttons की shirt पहन के office चले जाते और unmatching socks के साथ जूते पहनते. अच्छा सुनिए, मेरी गैर हाजिरी में आप समय पे घर आएंगे और वक्त पे खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद क्या करेंगे? Shut up. मैंने आपके पेपर्स बैग में रख दिए। और हाँ, आप किसी टूर वूर पे नहीं जाएंगे, ठीक है? लेकिन भावना, लेकिन कुछ नहीं, मैंने आपके मैनेजर से बात कर ली है, मेरे आने तक आप कहीं नहीं जाएंगे बस। देखा बाबा, देखा आपने, बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ये मायके जा रही है तो तुम्हें अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। One power in the house is banding together. बहू के साथ मिलके बेटे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी? चुप कर, ये मर्द ना होते ही ऐसे। जब मैं मायके जाती थी तो इसके डैडी को इतनी सारी हिदायतें देनी पड़ती थी। मामा, बहुत गर्मी नहीं हो रही यहाँ पे? मेरे ख्याल से मुझे ऑफिस जाना चाहिए। बाय मामा, बाय मामा। वो बात जो मैंने तुमसे की थी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मामी जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आपसे ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे जाने के बाद आप ईशान का ख्याल रखें, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें। पता है मामी जी, मुझे कभी कभी ईशान से बहुत जेलसी होती है, क्योंकि उन्हें आप जैसी मां मिली है। हाय सर, ये काम। सर? हाँ। क्या बात है सर, आप बहुत टेंस नजर आ रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है, मगर ज्यादा देर ठीक रहेगी नहीं। क्यों सर? अरे इतनी मुश्किल से काम मिला था, वो भी नहीं हो रहा। देखो क्या बात है सर। सुधीर ने एक प्रपोजल बनाने के लिए दिया था मुझको, दिया क्या था, मैंने छीन लिया था उससे, मतलब फिगर्स वगैरह, लेकिन इतनी कंफ्यूजिंग है। डोंट वरी सर, ये सब मुझे आता है। दीस फिगर्स आर वेरी इजी, मैं आपको सिखाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप इतने शार्प हैं कि फटाफट सीख जाएंगे। देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ। आइए।
मैं मम्मी पापा से बात करके। भावना, मम्मी पापा नहीं मानने वाले। दीदी, वो हम मेरे आने के बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल तुम बस इतना करना कि मेरी गैर हाजिरी में ईशान का ख्याल रखना और उन्हें कहीं जाने मत देना। तुम ईशान की फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी उसका, इतना तो फर्ज बनता ही मेरा। Yes, is I'm going through your file. जी हाँ, सुधीर भी। ठीक है, मैं सुधीर को बता दूंगा, वो आपको फोन कर लेगा। जी हाँ, सुधीर विल गेट बैक। ओके, या नाइस टॉकिंग टू यू, बाय। हाँ बेटे, वो मेहमान एंसन्स के टेंडर का क्या हुआ? हाँ डैड, उसका प्रपोजल बन गया है, लेकिन आपको पता है कि वो प्रपोजल बनाया किसने? तुमने? नहीं डैड, नीरज ने। नीरज? हाँ डैड, एक्चुअली काम मैंने उसे सौंपा था। बहुत परेशान था डैड, ही वाज फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि ऑफिस में आने के बाद उसके पास कोई काम नहीं होता है। तो मैंने मेहमान एंसन्स की फ्लॉपी उसे दी और कहा कि अगर वो मुझे अच्छा सा प्रपोजल बना के दे और मुझे पसंद आए तो आई विल पुट इट अप। एंड टू माई सरप्राइज डैड, कि उसकी फिगर्स और मेरे फिगर्स वर ऑलमोस्ट सेम। दैट्स वंडरफुल। यू नो सुधीर, मुझे कभी नीरज की काबिलियत पर शक नहीं था, बट द रियल क्रेडिट गोज टू काजल। उसकी मेहनत और लगन की वजह से आज नीरज इस स्टेज पर है। या डैड, हाई फुली एग्री विद यू। और डैड, आगे भी हमें उसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में उसे इन्वॉल्व करना चाहिए। आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। यस, वी विल डू दैट। वो है कहाँ? आई मस्ट कांग्रेचुलेट हिम। कहाँ है वो? हाँ, वो कह रहा था डैड कि वो किसी के साथ बाहर जा रहा है। So sorry, sir. कहाँ हो तुम? अरे तुम्हें मैं यार ट्रीट करने के लिए लेकर आया हूँ, तुम ही गायब हो। सर, आपने ऑर्डर प्लेस किया? कहाँ की ऑर्डर प्लेस, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। So sweet, sir. पता है, मुझे ना अभी भी विश्वास नहीं हो रहा सुधीर को प्रपोजल इतना पसंद कैसे आ गया। सर, आई एम ग्लैड कि उन्हें आपका प्रपोजल पसंद आया। नहीं, वो तो इवन आई एम ग्लैड कि उसको पसंद आया। Oh, hi, Richa. How are you? Vikram? Yes. My God! After such a long time. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम तो अमेरिका चले गए थे ना? गया था, फिर आया, फिर गया, अब वापस आ गया हूँ। तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं? नहीं, तुम जैसी कोई लड़की नहीं मिली ना। विक्रम, मैं अपने बॉस के साथ लंच कर रही हूँ, बाद में मिले। सॉरी सॉरी, एंजॉय योरसेल्फ। ओके, बाय बाय। आई एम सॉरी सर। कौन था ये? सर, मेरा बहुत पुराना कॉलेज का दोस्त है, विक्रम। लगा मुझे, बोलता बहुत है, इतनी ज्यादा बात करने की क्या जरूरत थी उससे? तुम्हें पता है 3 बजे जो है ना किचन बंद हो जाता है, फिर हम लोग खाएंगे क्या? है, ऑर्डर प्लेस करो। यस सर। आई एम सॉरी सर। हेलो, यस, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ, आधे घंटे में फोन करती हूँ। ओके, आई एम सो सॉरी सर। खाना खाएं, ऑर्डर प्लेस करो। एक मिनट। हेलो, हाँ डैड, हाँ हाँ, थैंक यू। पापा, मैं अभी एक्चुअली किसी के साथ खाना खा रहा हूँ, तो हम लोग बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ, मैं फोन कर लूँगा आपको, ठीक है? ओके। क्या है कि जब तक ये मोबाइल हमारे चलते रहेंगे ना, हमें चैन मिलेगा नहीं। अगर आराम से खाना खाना है तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है? यस सर। डिस्टर्बेंस नहीं होगी कोई। चलो ऑर्डर करो कुछ। सर, आप ऑर्डर प्लेस करिए। मैं करूँ? ऑर्डर प्लीज सर। एक बार पढ़ लूँ फिर बताता हूँ। हाँ, 5 मिनट दीजिए। ठीक है सर। वाह 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 वाह।
मैं ये डायरेक्ट कैंडी फ्लॉस खाने के लिए जू भैया क्यों नहीं खा सकता? ये देखो कैसे हाथ पांव हिला रहा है। चलते 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 मैं तू बिल्कुल है साथ में। आप दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं। ये अनुभव के लिए ऐसे खिलौने लेके आते हैं जिसे ये 5 साल बाद खेलेगा और आप है कि अनुभव एक काम करो अब जल्दी से बड़े हो जाइए क्योंकि आपके पापा और आपके चाचा चाहते हैं कि आपको बड़ा देखें इतना बड़ा ताकि आप कैंडी फ्लॉस खा सकें। ऐसे हंस मत सुनीति यार। अरे हम लोग तो जब छोटे थे हम लोग तो कुछ भी खा लेते थे। ये था ना ये तो कुछ भी खाता था बिल्कुल कुछ भी खाता था तेरा पापा। अरे इनकी बात मत सुनो नहीं भाई। तुम्हें पता है तुम कैंडी फ्लॉस की बात कर रहे हो ना। अरे माँ ने कहा था डैड हमारे लिए अखरोट लेकर आए थे तो दांत थे आपके पास खाने के लिए। तुम इनकी बात मत सुनो। देखो सब ट्रेनिंग हो जाती है तुम्हारा अपना बच्चा आएगा ना तो सब ट्रेनिंग हो जाएगी। अरे जब तक बच्चा नहीं होता तब तक मैं इसके साथ प्रैक्टिस तो कर लूं। मैं जा रहा हूँ।